ग्रामीण अंचल में रहने वाली और पशुपालन से अपनी आजीविका चलाने वाली पांचवी पास ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की राह में आजीविका के सहारे से पशु सखी बनकर उन्नत पशुपालन की नई नई तकनीक सीख रही हैं। पशु सखी की चार दिन की ट्रेनिंग से पांचवी पास महिलाएं चार दिन में ही पशुओं की सार सवार नए नए तरीके सीखकर अब छोटी मोटी बीमारियों का तो स्वयं ही इलाज कर सकेंगी, बल्कि पशु सखी बनने वाली है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ग्रामीण अंचल में भी लोगों को उन्नत पशुपालन की नई नई तकनीक सिखाएंगी, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्र की इन महिलाओं को राजीविका के द्वारा 1500 रुपए का मासिक भत्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा। सर, हम यहाँ चार दिन से पशु सखी की ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जिसमें हमने पशुओं का आवास कैसा होना चाहिए और पशु बीमार हो जा पशु को कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उनमें कौन कौन सी दवा दी जाती है और पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए कौन कौन सी खनिज लवण खिलाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ा। गाँव में एक गाँव से एक केडर लेते हैं पीएस में पशु सखी में, क्योंकि उसका सिलेक्शन करने के बाद में स्टेट लेवल पे उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। ट्रेनिंग में पशु सखी को नॉर्मल आवास प्रबंधन पे जानकारी दी जाती है, पशुओं की स्वच्छता पे जानकारी दी जाती है कि स्वच्छता रखे, किस तरह से पशुओं को स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा नस्ल सुधार और नस्लों की जानकारी इनको दी जाती है कि किस तरह से अच्छी नस्ल रख के ये अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, साथ ही इनके पास में गाँव में जो नस्लें बिगड़ी हुई है उनको ये कैसे सुधार सकते हैं। ये जो पशु सखी है इनका जो चार दिन का प्रशिक्षण शिविर होता है, प्रशिक्षण शिविर होने के बाद में चौथे दिन इनका लिखित और ओरल एग्जाम होता है। एग्जाम जो सेलेक्ट कर लेती है उसके बाद में इनको ज्वाइनिंग दी जाती है ब्लॉक लेवल पे, और अपने ही गांव में इनको काम करना होता है। और ये जो ट्रेनिंग लेके जाते हैं, यही ट्रेनिंग ये लोग अपने गाँव में जो मेम्बर आजीविका केंद्र से जुड़े हुए हैं उन मेम्बर को ये ट्रेनिंग देते हैं। उसके बदले मंथ एंड में इनको जो इनका मेहनताना है 1500 रुपए मेहनताना पर मंथ इनको मिलता है। जो महिला एक साल से आजीविका समूह से जुड़ी हुई है, साथ ही कम से कम वो पांचवी पास होनी चाहिए, उसको लिखना और पढ़ना आना चाहिए, उसमें नेतृत्व करने के गुण होने चाहिए कि गांव में जो महिलाएं हैं उनको एकजुट करके ये उनसे काम करवा पाए, उनको जो प्रशिक्षण दे वो सही तरीके से उनको समझा पाए, ऐसी महिला का इसमें सिलेक्शन किया गया। और इसको तैयार करने में अलग से जमीन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती।